मैं आयुषपाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में योगी मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, सीएम आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के ये बैठक रखी गई है और तमाम तरीके के मुद्दे यहां पर इस बैठक में उठाए जाने वाले हैं। आपको बताया दें, तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर के मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाने वाली है, रणनीति को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जाने वाली है और बस कुछ ही समय में योगी मंत्रिमंडल की यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें, तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है क्योंकि तमाम नेता जो है वो विधायक से सांसद बन चुके हैं, उनकी सीट खाली हो चुकी है और उन सीटों पर अब उपचुनाव होना है और इसी को लेकर के सीएम आवास पर ये मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के ये बैठक रखी गई है। तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी। सीएम आवास पर मंत्रिमंडल की यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें, थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और उपचुनाव में किस तरीके से बीजेपी अपने आप को एक मजबूती से उतारना चाहेगी इन तमाम सीटों पर, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से विपक्ष को घेरना है और तमाम चीजें किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है, ये तमाम चीजों को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक बस कुछ ही समय। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी निकिता हमारे साथ मौजूद है। निकिता, योगी मंत्रिमंडल की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, उपचुनाव को लेकर के तमाम बड़ी चीजें इस बैठक के दौरान सामने आ सकती है। इस बैठक में क्या कुछ चीजों को लेकर के और चर्चा होने वाली है निकिता? आधी की उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने आज यानी बुधवार को मंत्रियों के को बुलाया है, उनके साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में उन मंत्रियों को बुलाया गया है जिनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को चुनावी जो तैयारी है उसकी इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और उनकी समीक्षा करेंगे। तो ये 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मंत्रियों और संगठन के नेताओं की जो ड्यूटी है वो भी लग गई है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सांसद बने 9 विधायकों की सीटों के साथ ही सीतामऊ सीट पर उपचुनाव होना है और ये सीट समाजवादी पार्टी विधायक के आयोग घोषित होने के बाद रद्द हो गई थी। और वही इन सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें मिल्कीपुर, कचहरी, फूलपुर, मंजवा, गाजियाबाद, सदर, मीरापुर, खैर ये जो सीटें हैं वो शामिल है। और आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के संगठन के द्वारा इन सभी सीटों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसके लिए संगठन के पदाधिकारी के साथ ही यूपी सरकार की 16 मंत्री की टीम का गठन कर सभी को अपनी अपनी जो सीट है उस पर जीत दर्ज कराने की जो जिम्मेदारी है वो भी सौंप दी गई है। और मंत्रियों की टीम में बीजेपी के अलावा कई सहयोगी दल के जो मंत्री हैं उनको भी शामिल किया गया है और किस सीटों पर दो तो कुछ सीटों पर एक एक मंत्री को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है जिसके साथ संगठन के सभी पदाधिकारियों को लगाया गया है। तो पूरी तरह अब उपचुनाव हो रहे हैं जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सामने अपने हाथ ले रहे हैं, जिसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर। इसी के साथ साथ निकिता, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लगातार देखने को मिल रही है वो है अयोध्या की सीट। अयोध्या का जो क्षेत्र है वहां भी तमाम सीटों पर जिस तरीके से हमने देखा कि अयोध्या सीट से जो सपा के विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इलेक्शन इस बार होना है, उपचुनाव वहां पर भी होना है और उसको लेकर के एक अलग सी कमेटी बनाई गई है कि उस सीट पर तो बीजेपी जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, इस सीट को लेकर के क्या कुछ चर्चा यहाँ पर हो सकती है? कहीं ना कहीं कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी जरूर झेलनी पड़ सकती है क्योंकि कई ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी का बैटल ग्राउंड यानी कि गढ़ रहा है। और ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव की जीत हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठान का सवाल होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली है उस पर भी मरहम लगाने का काम करेगा। इसलिए मंत्रियों को हर हाल में जो जीत दर्ज कराने के लिए सभी क्षेत्रों में डटे रहने को कहा गया है। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी में जो टिकट है वो वहां पर भी जो भागा दौड़ है वो शुरू हो गई है। विधायक से सांसद बनने वाले जो नेता है जहां अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट जुटाने में जुट गए हैं वहीं पर कई पूर्व सांसद और विधायक का टिकट भी दौड़ में शामिल है। तो कई लोग ये जो गढ़ है जो इस तरीके से हम अयोध्या की बात